गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे और आज मैं जा रही हूँ रूही के स्कूल में। रूही कहो। और हम जा रहे हैं पढ़ाई करने। क्यों जा रहे हैं रूही के स्कूल में आज? रूही वाने बताएगी कि हम क्यों जा रहे हैं। वाने बताओ। मैं भी जा रही हूँ। हमारे सैटरडे संडे को पेंटिंग क्लासेस होती है अपने ही स्कूल में। तो मैं भी लोगों के साथ जा रही हूँ। इनका स्कूल भी देखाऊंगी। और आज वैसे भी मैं फ्री हूँ। माधवी नहीं जा रही हमारे साथ। तो मैं हूँ प्रोफेशनल। यहाँ पर लिखा भी है, उल्टा दिख रहा है आपको। और दीदी है फ्री स्टाइल। अब हम आएंगे 12:00 बजे वापिस। नहीं, दूसरी बार, एक बार भी गई थी बहुत पहले। चुके हैं रूही वान्या के स्कूल में। अभी यहाँ पे ये लोग अपने साइन कर रहे हैं। ये है स्कूल। काफ़ी बड़ा स्कूल है। अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मैं तो देख के ऐसा हो गया। यहाँ पे ये इनका प्लेग्राउंड होगा। यहाँ पे इनकी क्लासेस हो रही है। यहाँ पे ये लोग रेस लगा रहे हैं। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि ये लोग यहाँ पे भी चक्कर। इतना बड़ा स्कूल है दोस्तों, मैं तो देख के हैरान हो चुकी हूँ। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें भी हैं। अभी मैंने शूट नहीं किया। यहाँ पे इनकी, ये सर है इनके, यहाँ पे इनके क्लासेस ले रहे हैं। स्कूल में ना काफ़ी ज़्यादा झूले भी लगे हुए। जो थोड़ी देर में ये लोग फ्री होंगे ना, तब मैं इनके साथ झूले झूलूँगी। अकेले तो मैं क्या ही झूलूँ। और मैं, सारे बच्चे अब रेस लगा चुके हैं। अब पता नहीं क्या करें। भागते भागते शूज़ ही खुल गया था, तो ये सबसे पीछे रह गया है। रूही क्या है? ये लोग जा रहे हैं अब। उसकी तबीयत एकदम से खराब हो चुकी है इस पर। अब यहाँ पे आए तो इसे करना तो पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ये बच्चा ना 5th क्लास में पढ़ता है ना। 5th क्लास में पढ़ता है वान्या। आप सब पढ़ता है वाला। अभी एक ही आया हुआ तो मैं इसको दिखा रही हूँ। गाइस अभी वान्या की तबीयत खराब हो रही है। अब हमारा चुन्नू, मैं अभी चुन्नू को दिखाती हूँ, मेरी छोटी बहन को ही। ये देखो, अभी इसमें क्लियर पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, हेनरी तो वान्या भी जाएगी। क्यों वान्या? चुप वान्या, इसकी तबीयत खराब है। कल स्कूल भी नहीं गई थी, पर आज तो आना था क्लास का नहीं। ये देखो रूही, रूही को देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। वाह, देख के ना मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी तो वान्या को मैंने देखा नहीं है। अभी तो मैंने रूही को देखा। वान्या की तो अभी बैठी है, बट चुन्नू को देख के भी अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक हो, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। वैसे मैंने इनकी वीडियोज़ वगैरह देखी, पर आज मैं इनको लाइव देख रही थी। ये लोग कैसे कर रहे हैं। गाइज़ यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा, धूप भी नहीं आई है, पर चलो ठीक है। थोड़ी देर अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे इनको देख के। जाती हुई, आराम से जाना, अच्छे से। तो देखो पता है कैसे जाना है। ये देखिए गाइस, अब आने जाएगी। यहाँ पे दोस्तों मंदिर भी है, माता रानी का। एंट्री में माता रानी का मंदिर है, जय माता दी। अंदर नहीं जाऊँगी क्योंकि शूज़ पहने हैं मैंने, इसीलिए। पार्क भी है, तब तक वो लोग उनकी क्लासेस हो रही है। मैंने सोचा कि मैं ऐसे यहाँ पे घूम लेती हूँ। स्कूल में इतना सुंदर सा पार्क है। वाह यार, यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा सा लग रहा है। काफ़ी सुंदर सी चीज़ें। काश माधवी भी होती आई हुई तो दोस्तों, अगर माधवी होती ना यहाँ पे अभी तो कितना अच्छा लग रहा था। मैं अकेले आई हूँ तो मेरे को इतना वो नहीं लग रहा, पर माधवी की बहुत ज़्यादा याद है मुझे। यहाँ पे झूले, मैंने सारे झूले झूले यहाँ पे। और मेरे पास कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था। ये बच्ची दिख रही ना, इसमें मेरी छोटी सी झूले में वीडियो बनाई है बस, और कुछ नहीं। पर मज़ा था। तो आप इसी से क्यों पढ़ते हो? तो गाइज, मेरी एक छोटी सी नई दोस्त बन गई। हम लोग यहाँ पे बहुत मजे कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है ना काफ़ी यहाँ पे। हाँ। इसके स्कूल में आई हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी नहीं। दोनों बहन लगती है मैं। उसके पापा है। हाँ। जो उसके पापा है वो मेरे चाचू लगते हैं, रियल चाचू। हाँ देखो गाइज। तो गाइज हम थोड़ी देर झूले में झूल रहे हैं। नहीं आज शायद से मैं चली जाऊँगी कुछ दिनों में। यहाँ पे लड़का है। हाँ आज ही आई हूँ मैं। काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, पर अब कुछ दिनों में मैं चली जाऊँगी। हाँ मेरा घर काफ़ी दूर है यहाँ से। जब कहीं जाना होता है ना, तो इतनी गंदी फोटोज़ यहाँ पे, मतलब इतना अच्छा व्यू है कि हम फोटोज़ ले सकते हैं, पर ना फोटोज़ अच्छी आ रही ना वीडियो ही बन रही। पता नहीं ऐसी नकली नकली से आ रहे हैं ना, पता नहीं क्या चक्कर है। अभी मुझे इतना मस्त लग रहा है यहाँ पे, जब धूप आ रही है। मेरे को यहाँ आके ही पता लगा है कि धूप की वैल्यू क्या होती है। और तो काफ़ी सही है। माधवी की भी मुझे बड़ी याद आ रही है। अगर माधवी होती है तो उसको भी काफ़ी मज़ा आना था। मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया था। उसके मैं वीडियो तो नहीं बना सकती क्योंकि फिर कोई चाहिए था फ़ोन पे वीडियो बनाने के लिए, और ये बच्ची थी तो बच्ची से तो मैं क्या ही बनवाती, पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस गाना आ रहा पीछे से। क्या हुआ? वीडियो नहीं। रूही भी थोड़ी देर झूले में झूलेगी, बहुत ज़्यादा थक चुकी है। रूही थोड़ी देर खेलो, फिर घर जाना, ठीक है?
यहाँ पे झूले ना गिले आधे से ज्यादा तो यहीं पे ही है। ये क्या है, वाह आनंद उल्टा स्टाइल। चलो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर रही है जब तक अच्छे नहीं है। कैसा रहा दिन फिर? बड़ा हाँ, बहुत मतलब बहुत मेहनत करते आ रहे बच्चे, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, इनकी रेस लगी काफ़ी ज़्यादा, एक दो घंटे से ये लोग कंटिन्यू ही प्रैक्टिस कर रहे थे। और अब धूप थोड़ी थोड़ी आ चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं तो मुझे तो ठंड, बाइक है, मैं और वानर जा रहे हैं, मैं बाइक चला रही हूँ। बाइक और वानर मैं कहाँ को जा रहे हैं? हम पता नहीं जा रहे, बस कहीं बाइक। क्लासेस के बाद ही सारे बच्चे ना अब यहाँ पे इंजॉय करने आ चुके हैं, देख सकते हैं। इसमें मैं भी बैठी, इसमें मेरे चक्कर आ गया। जिस झूले पे मैं बैठी हूँ ना उसमें, ये झूले में बैठी हूँ ना उस झूले पे वान्या भी गिर चुकी है। वान्या की वीडियो नहीं बनाई, पर जैसे भी वान्या आगे गई ना पीछे जाके वो गिरी बहुत बुरी। गिर सकते हो आप भी। गाइस मैं देखना चाहती हूँ कि आराम से गिर भी सकते हो। हम झूले झूल झूल रहे यार, रुक जा खड़ तो जा यार, ये बिल्कुल भी नहीं खड़ रहे यार। और चाचू को फोन कर तक नहीं दे रहे मुझे करने की, हमें लेने आ जाओ, बोल रहे वो खुद आ जाएंगे। और काफी देर से हम लोग यहाँ पे लेट आना ताकि हम थोड़ा सा और इंजॉय कर सके। और दो बजने वाले हैं और अब इतनी अच्छी धूप आई ना, अब तो मेरे को मजा भी आ रहा है। पहले तो मेरे हाथ इतने सुन्न हो चुके थे, तो वान्या की तो ऐसी तैसी फिर चुकी है, पता लग रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि झूले झूल कर अपने स्ट्रेस भगवा दे जाए। इसका आइडिया था कि दीदी चलो मेरे साथ आपको कंटेंट मिलेगा, मैं तो बिल्कुल मन नहीं था मेरा आने का, इसने बोला। पर अब मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा सा इनका स्कूल भी देख लिया इस बहाने। इनके स्कूल में मैं आनी भी नहीं थी कभी वैसे तो, है ना। अब आजू में दर्द नहीं मिलते आपको थोड़ी देर में। अरे वाने आ जाओ नीचे को, मैं देखती हूँ फिर, मैं आ जाओ। आप देख सकते हैं इन बच्चों के कारनामे। तो गाइस दीदी आ रहे चाचू लेने आ चुके हैं, पर ये लोग जाने का नाम ही ले रहे। चलो पढ़ो काका, देखो तो मेरे को मारने आ रहे। टच करो हाथ। और वो ना टूटा हुआ, वन दो बार गिर चुकी है वन्या। देखो आप पहले तो क्या लगे हुए करने आया। माधवी तू भी आती ना, तेरे को इतना मजा आ रहा था ना यहाँ पे घर बैठ के, तू क्या ही लगी करने, चार खा रही है ना, चार डाल दी क्या हमका। तो दोस्तों इन लोगों की तो मस्ती खत्म नहीं हो रही है, मेरी तो मस्ती खत्म हो चुकी है। सारे बच्चे यहाँ से जा चुके हैं पर इन लोगों को जाने का नाम ही नहीं ले रहे यहाँ पे। और इन लोगों का थैंक यू सो मच, इन्होंने मुझे यहाँ पे लाया। ये लोग बोल रहे थे आपको कंटेंट मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, जबरदस्ती लेके आया। मैं तो मना कर रही थी कि मेरा मन नहीं हो रहा जाने का, पर ठीक हो मैं यहाँ पे आ गई और अब काफी अच्छा लगा मुझे। हम लोग जा रहे हैं वापस, हमें चाचू लेने आ चुके हैं, तो ठीक है मिलते हैं आपको घर जाके सीधा। घर आके हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट किया, मैंने भी रेस्ट किया था। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय गाइस।